दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत, सुनील नारायण और साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने उसके ही होम ग्राउंड विशाखापट्टनम में 106 रनों के अंतर से कुचलकर रख दिया। इसके बाद अपनी बुरी तरीके से हार झेलने के बाद और आईपीएल में सबसे बड़ी हार मिलने के बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत फूट फूट कर रो पड़े और अपने भावुक बयान में महेंद्र सिंह धोनी की याद करके सुनील नारायण के बारे में ऐसा कुछ कह दिया कि सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो ऐसे में ऋषभ पंत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हार का खुलासा करते हुए क्या कुछ कह दिया उनके शानदार बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी की तरह क्या बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भविष्य में बन पाएंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इसमें रोमांच के हदें पार करने की जिम्मेदारी तो जैसे कि कोलकाता के बल्लेबाजों ने उठा रखी हो। शुरुआती दो महामुकाबले जीतने के बाद कोलकाता लगातार अपनी जीत की दहलीज ही टच कर रही है और हर बार जीतती हुई नजर आ जा रही है। ऐसे ही 16वां महामुकाबला आईपीएल के दौरान कोलकाता और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में वाईजैक के स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड है, कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का शानदार फैसला किया और बल्लेबाजी भी ऐसी की कि देखकर सभी के होश उड़ जाए। जहां पर फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ओपनर उतरे थे, दोनों ने मिलकर तूफानी शुरुआत दिलाई और कब 5वें ओवर तक अपनी टीम के स्कोर को 60 तक पहुंचा दिया पता नहीं चल रहा। मगर फिर एंड्रिक नॉर के आकर 5वें ओवर में फिल सॉल्ट को ट्रिस्टन स्टेप किया तो 18 रन पर कैच आउट करा देते हैं। इसके बाद फिर सुनील नारायण का साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज अंगरिक्ष रघुवंशी आता है। 18 साल के इस बल्लेबाज ने सुनील नारायण के साथ जिस तरीके से चौके छक्कों की बरसात की वह आग लगा देने वाला कार्यक्रम था। इस महामुकाबले में सुनील नारायण अंगरिक्ष रघुवंशी के बीच में जिस तरीके से सच्ची साझेदारी हुई वह देखने लायक थी और सुनील नारायण ने जिस तरीके से 7 चौके 7 गगनचुंबी छक्के 217 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से महज 39 गेंदों का सामना किया और 85 रन की पारी खेल दी और अपने स्कोर को महज 13वें ओवर तक 164 तक ले गए। जब कोलकाता 164 पर थी सुनील नारायण को मिसेल मार्स ऋषभ पंत किया तो कैच आउट करा देते हैं, मगर 85 रन बनाकर वह शानदार अपना काम कर चुके थे। फिर आते हैं आंद्रे रसेल। अंगरिक्ष रघुवंशी दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी करते अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 27 गेंदों 5 चौके 3 छक्के लगाकर 200 की स्ट्राइक रेट से 54 रन की शानदार पाली अपने डेब्यू महामुकाबले में खेलते हैं। इसके बाद उनको भी एंड्रिक नॉर किया ने ईशान शर्मा के यहाँ तो 14वें ओवर में कैच आउट करा दिया। आंद्रे रसेल का साथ देने के लिए फिर श्रेयस अय्यर आते हैं और आंद्रे रसेल जो 19 गेंदों में 4 चौके 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर 41 रन बनाते हैं अपनी टीम के स्कोर को 200 के पार ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। और फिर श्रेयस अय्यर ने 18 रन, अंत में रिंकू सिंह ने 26 रन की 8 गेंदों में जो पारी खेली 3 छक्के लगाए अपनी टीम के स्कोर को सामने मिलकर 272 तक ले गए। इसमें 273 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद ज्यादा निराशाजनक रही। डेविड वार्नर पृथ्वी शाह कुछ नहीं कर पाए, जहां पर पारी के महज दूसरे ही ओवर में 21 रन पर वैभव अरोरा आकर वरुण चक्रवर्ती किया तो पृथ्वी शाह को 10 रन पर आउट कर देते हैं। डेविड वार्नर ने आज महज 13 गेंदों में 18 रन बनाए। मिशेल मार्स खाता नहीं खोल सके, अभिषेक पोरोल ने खाता नहीं खोला। ऋषभ पंत टेस्टन स्ट्रिप से बीच में उम्मीदें जरूर जगाई थी। आज कप्तान ऋषभ पंत ने 25 गेंदों में 4 चौके 5 छक्के लगाकर 220 के स्ट्राइक रेट से 55 रन की पारी खेली। टेस्टन स्टेप्स ने 54 रन बनाए 32 गेंदों में। इसके अलावा कोई खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका और पूरी दिल्ली कैपिटल 17.2 ओवर में 166 पर ऑल आउट हो गई। 106 रन के महान अंतर से आज कोलकाता ने इस महामुकाबले जीता, पॉइंट टेबल में टॉप का स्थान हासिल किया, दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। ऐसे में अब दिल्ली की सामना खार के बाद उसके कप्तान ऋषभ पंत भावुक नजर आए। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपनी हार से खुलासा करते हुए ऐसा कुछ कह दिया कि सुनने के बाद आप भी शायद भावुक हो जाएंगे। ऋषभ पंत ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से आज इस मैदान पर हमने बल्लेबाजी करने की कोशिश की तो बल्लेबाजी मुश्किल नजर आ रही थी, मगर आज कोलकाता ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की उनका एक अप्रोच ही अलग था। उन्होंने आज जिस तरीके से चौके छक्के लगाए लग रहा था जैसे बहुत छोटा ग्राउंड हो। वाईजैक विशाखापट्टनम हमारा है, वो ग्राउंड है, हमको अच्छा खासा इधर अनुभव है। उम्मीद लगा रहे थे पिछले महामुकाबले में हम चेन्नई को हरा कर आए हैं, धोनी भैया की मौजूदगी में ऐसी टीम को हम हरा देते हैं तो हमारे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा हुआ था। हमको लग रहा था कोलकाता को हम अच्छी खासी टक्कर देंगे और जीतेंगे, मगर इस महामुकाबले में कोलकाता की तरफ से जब सुनील नारायण को ओपनिंग करने की जिम्मेदारी मिली और उसने जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की लग रहा था कि जैसे कि युवराज सिंह खेल रहे हो या फिर धोनी भैया अपने फुल फॉर्म में नजर आ रहे हो। आज वह जिस तरीके चौके छक्कों की बरसात कर रहा था, जब तक हमने गलतियां की कुछ DRS नहीं लिए उसके कारण वह इतना रन बना पाया, अन्यथा वह नहीं बना पाता। मगर फिर उसकी बल्लेबाजी के बाद फिर आंद्रे रसेल, फिर रिंकू सिंह, सबने मिलकर अच्छी बल्लेबाजी की। मगर मैं तारीफ करना चाहूंगा ऐसे युवा बल्लेबाज 18 साल के अंगरिक्ष रघुवंशी की। उसने शानदार अर्धशतक लगाया और प्रभावित किया है कि हमारे पास एक भविष्य में अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं जो कि हमारी टीम को संभाल सकते हैं। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की हार हुई है, इससे मैं बेहद ज्यादा हताश हूँ और उम्मीद करूंगा अच्छी वापसी करूँ और अपनी टीम को आगे जिताऊँ। इस मैच में मैंने खेलने की कोशिश की और
और शतक लगाया, मगर जिस तरीके की बड़ी पारी की उम्मीद थी हमारे टॉप ऑर्डर से वह नहीं हो पाई। उसके बाद हमारे अलावा कोई फिनिशर भी दिखाई नहीं दिया, हमको हमारी टीम के लोअर एंड ऑर्डर को ध्यान देना होगा और आगे संभालना होगा। मैं महेंद्र सिंह धोनी भैया से मुलाकात जरूर करूंगा, कुछ ज्ञान लूंगा जिससे शायद मुझे जीतने में अहम मदद मिले और आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करके अपनी टीम को और अपने दर्शकों को जीत दिलाकर खुश करना चाहूंगा। दोस्तों यह तो ऋषभ पंत का शानदार बयान है, मगर आपको क्या लगता है ऋषभ पंत इस साल IPL में अपनी टीम को प्लेऑफ में ले जा पाएंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, नए सब्सक्राइब कीजिए।